दीपेश मिश्रा के गांव मुनई के बगल में एक दूसरा गांव है, यहाँ पर हम हैं। अच्छा, महंगो के परवा। और ये क्या बगल में घाटा भी हुई ना? हाँ, 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 अच्छा अच्छा, ज्यादा दूर से रायबरेली से आई थे। तो काले वाले बंदर जो हैं, ये हनुमान जी के प्रारूप माने जाते हैं, इनको आप खिला दीजिए। अगर इस लड़के के प्रयास से काम बना है, लव निकालो इनका, देव आओ 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 आओ, लव आओ आओ आओ, बस आप पेड़ के नीचे रखते जाओ। हाँ बेटा, ये इसको बनाओ, तुम इसको बना लोगे? मतलब हाँ हाँ, देखो इसको न छूना कि बंद हो जाए, बस ऐसे दिखाओ और घुमाना मत, सीधा मत करना, इसे दिखाओ। देखिए बन रहा है ना, ये लाख वोक तो नहीं है? हाँ, ये लाल लाल क्या लिखा हुआ है? ये टाइमिंग आ चल रहा, मतलब कम मिनट हो गया। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ भैया, मजे के हैं गुरु जी, ये वो है आप। हाँ बेटा, यहाँ बनाओ, आके सामने यहाँ बंदर खा रहा है, हमको मत दिखाओ, ये ऐसे नहीं दिख जाते, आप वहीं जा दो। आप बगल में अपने झोला टांग दो। हाँ ऐसे ही गुरु जी, नहीं एकदम झोला के अंदर नहीं दूंगी जा। अच्छा ये वाला टांग ले। हाँ हमका जो रोटी निकाल दो इधर, आम हम एकदम ताजी आम खाओ, खाओ। वहाँ आपने दे दिया? हाँ वहाँ डाल दिया। अब यहाँ बंदर कम है हमको लग रहा है। नहीं हुआ हुआ ऊपर चढ़े कुबरिया हो गया ना एक तो। थोड़ा और डाल देंगे, ये खा ले। नहीं नहीं अभी हम डाल रहे हैं। गुरु जी से बार बार आ रहे हैं ना इधर वाले, ये कैसे वाले आ गए हैं भाई? हां गुरु जी ऐसे ही से निकल रहे हैं, यही रोटो को पेड़ पे बंद करके हैं वो लोग के। तुम बच्चा आगे आगे चलो, जैसे बता रही है तुम आगे आगे चलो। चलो जगह जगह वो बैठे, वो बैठे वो बड़ा बैठा है, वो बड़ा बैठा। तुम चलो तो जहां जहां बताऊं मैं चलो, हम सब देखो कुत्ता आवाज जा, कुत्ता की भगा दे, कुत्ता की भगाओ। ये दे दिया उसके बताइन ये दादा बैठे हैं, ये बैठे हैं। आ आ अजू आओ, कैसे न बोले वो सामान देखी है, वो खुदे आ गई है। जंगे जंगे पेड़ पर घूमे वही कुत्ते को जैसे भैया कुत्ता की जरा भगाए रहे। रोटी खाओ ले। उधर तो हिला रहे हैं, कौन मगुआ बचौती रही उधर तो हमको दिखा रहे हैं। नहीं बचौती नहीं, लेकिन इधर है, इधर है, इधर उधर ही सब चढ़े। अच्छा। इधर कई थे मीठा पत्थर, इधर को कई थाप चढ़े हैं। जो में पेड़ पर हैं वही के नीचे नीचे रख दे, ये उतर के खा दे। इधर हो बैठा वो बैठा। हाँ हाँ हाँ, ये देखाओ नीचे देखाओ। आओ आओ आओ, करसो करसो ना करो, ले खाओ। आओ 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 आओ, नीचे नीचे रख गई लोग ज़्यादातर मगुआ उगा ना रहा। आओ आओ, यहाँ कहीं आनी पानी तो है नहीं बगल में? है 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 है, वो नल का है। अच्छा नहीं हाँ। बंदर लोग पानी कहाँ पिया थे इसे? नल का मतलब जैसे आदमी वो लोग रहा थे हाँ। तो चला दे थे, पी लिए थे। अच्छा हाँ,
कोई यहाँ ताल चली गया नहीं? ये ताल है, ताल है, हाय नकी मतलब यहाँ सब झंखाल झंखाल में जाना पे है। अच्छा। चले गए फंस तो बाहर निकल ये आ रहे दादा बरगद पर, वो बरगद पर जा रहे हैं। मंदिर के ऊपर रात देख चल गए है ना। आओ ले दिखा दो दादा दिखाए दी। उधर दादा देख नहीं पाए। आओ आओ दादा वही बैठे चिलौल पर। ए मंदिर को बंदा डाल दिख जाए चल के। नहीं मंदिर के ऊपर मतलब देख जगह नहीं जा बैठे। हाँ आ आ आ ये कुकुर आ गया। हाँ कुत्ता है ना इसलिए डरा रहे। चलो मंदिर के छत के ऊपर डाल दे क्या से। हाँ बस वो उधर बैठे तो हूँ ऊपर। हाँ मंदिर के छत के ऊपर पड़ा रही न कुकुर दौड़ा पे है न कुछ। हाँ तो खा ले सब वो बैठे। अरे बेचारे प्यासे हुई है यार यहाँ पर जो है। आओ 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 ये बैठा दादा। या सब सब दे आ गई है। अब ये थोड़ा इंडिया मार्केट चला दे चलावे से हो जाए तो कुछ पानी के नाम पर आ जाए। हाँ आज ही प्यासे ही। आप इधर देखो वो भैया चलेंगे हैं। आप यहाँ देखो मंदिर के छत पर डाल ले दे ना। हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर भी है। अच्छा वाह हनुमान जी का हर साल यहाँ भंडारा होता है। अच्छा और ये ढांचा इनके बगल में है। इनके बगल में कोलिंग पर कोलिंग प्रोवा के आगे था। ढांचा दूर है यहाँ मतलब घाटे यहाँ से 2 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ मतलब एक कोरिंगपुरा के पार कर लियो। हाँ। रोड से आप जी हो तो दूर पड़ जाए। अच्छा। यह हनुमान जी के मंदिर है दादा। छत के ऊपर जाने मूर्ति है कुकुर ना तो है। यही हनुमान जी की महासेवा है। भैया एक बार निकाल निकाल के सब छत के ऊपर डाल दिया जाए। छत के ऊपर कैसे डाल दिया जाए। हाँ गुरुजी थोड़ा सा बचा ले तो बिना के छत पर डाल दिया जाके हमारे शरीर को रोज आवत से बचा ले। अच्छा बोल रहा थोड़ा निकाल निकाल के यही को सर बाहर से। अभी हमें जो है अभी है अपन कहीं है जो बची स्थिति तो कमजोर वाले खा गए हैं और इसे हिया जा दो हुआ जा दो फूको खा दो हिया भले खा दो। आ चुके हैं ढाका वाले दीक्षित के साथ में। हाँ 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 वो खवाते हैं है ना। हाँ खिलाते हैं पुआ वो माल दीक्षित के साथ में माल पुआ खिलाते हैं। यहाँ पे 2 किलोमीटर है। हाँ रोड से जो तो आपको 2 किलोमीटर पड़ी। ढाका हाँ वैसे जो मतलब तो कम पड़ी। दादा दादा प्यासे हैं। प्यासे हैं दादा प्यासे हैं ना। तो इंडिया मैन का चलाए। हाँ चलावा थोड़ी देर बाबा पानी रुका हुआ तो पीन हुई है। गुरु जी इतना डाल दी ना इतना बचा है और डाल दी और डाल दो मैं थोड़ा सा बचा गहरा था मान लो कहीं आओ मिल गया कचरा मिल गए। चलो इंडिया मार का। हाँ तो देखो दादा आएगी ऊपर सब। हाँ एक तो आपको दोपहर में आवक चाहिए अब रात हो गई तो अब उतरिए ना ज्यादा।
काल सुबह खाई है, दोनों अबे खा ले हैं बजे सुबह खाई है। सोलंगिया माता दिखा दे, ये हनुमान जी का मंदिर है, यहीं पर लाल बंदर बहुत है, एक तरह का छोड़े गए हैं। अच्छा, वो हुआ बा लाल वाले? हाँ, सब लाल वाले। तो लाल वाले से लोग ये डरत है? हाँ, मतलब आवत ही इक्का दुक्का, मतलब लाल वाले। हाँ। तो लड़ाई हो जाती तो डरा थी, अकेले आवत ही। अच्छा, अभी घर दादा आओ आओ, जरा सा इंडिया मार्केट चलाए है। आओ 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 आओ, अब यहाँ एक अगर हवली रखा हुआ है, पता नहीं लोगों ने कहा है कि लोग आ करके आओ आओ आओ, चला दे चला। ये गांव में सबका ईर्ष्या है ना दादा, ईर्ष्या है ना, ईर्ष्या वजह से। अरे ईर्ष्या है तो मर जाएंगे लोग, ईर्ष्या बताओ। अगर एक हवली 500-600 के आवत यहाँ ला के हम रख दें तो खाली लोग उसका भरे ही, लेकिन कोई कहीं कुछ नहीं, बस वही पूजा, वही हनुमान जी का मंदिर। नहीं, अगर आप रख दे ना तो उठा लीजिए घर का। हाँ, उठा लीजिए, सही बात। क्यों इसको रोक दें क्या किसी चीज से, ताकि इसमें पानी भर जाए? एक दिन पिला रहे दादा, हम बहुत चिल्लात रहे हमारा। अच्छा, बंद कर जा रहे गए। हाँ। बंद कर दिन है, वो भर दिन है। हाँ। मतलब बहुत चिल्लात रहे। को चिल्लाते हैं गांव के लोग? हाँ, देखे मंदिर है। अच्छा, तो कैसा मंदिर है, नाम क्या है? राम जी के पापा हैं, रामनंद। रामानंद? रामनंद कौन है, मिश्रा है? हाँ है? हाँ हाँ। अरे राम, कहो भैया आके बाबा उसको बनाएंगे, अब मोबाइल नंबर ले लो, बाबा से बात कर दें। बंदर के खिलाने पिलाने में विरोध करने का मतलब समझते हैं क्या है, वो आदमी ज्यादा दिन नहीं चल पाता। हाँ, कि ज्यादा दिन आदमी जिंदा रहे, हो सके तो बंदर चलाओ, ना हो सके इतराज मत करो। उनके मोबाइल नंबर मिल जाएगा तो हम उनसे बात करें। तो महाराज, लाखों रुपया आपका मिल जाएगी, 1,00,000 रुपया बैठा बैठा पा जाएंगे। खाली इतना ही बता दो कि यह काम से बढ़ के कौन सा हनुमान जी का मंदिर है, कौन कौन बाबा है, खाली इतने बताओ। 1,00,000 मिल जाए, बात वो करो जो 10 आदमी सुने तो कहें हाँ बात सही है। आपके मेहनत से भी हम भी चला देंगे, उसके भर जाने से उनको बड़ा पानी मिल जाएगा। बेटा, यहाँ तालाब जो है उसमें पानी है क्या थोड़ा दो? अब ये तो नहीं पता, मतलब सब खुलझार ना। हमारे जो वहाँ घर के बगल में वहाँ है तालाब, वहाँ पीते हैं हरदम। आपके घर के बगल में तालाब है? हाँ। अच्छा, वहाँ मतलब एकदम साफ है तो पिया भी। अच्छा, देखो प्यासे आ रहे हैं दादा, हट जाओ, आ रहे हैं, डे आ रहे हैं ना। आ, 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 आ। भाई, इन्हीं को देख के तो हनुमान जी की मूर्त बनी है, तो बड़े मंडल में इनको खिलाना पिलाना चाहिए कि हमको आपको खाना पीना चाहिए? मिनट रुको, हम लोग इधर हटेंगे, देखते वही सब खाएंगे भैया। किनारे किनारे रोटी रख दो, गोल गोल हमें रोटी खाए, भगवत भगवान में रख, ऊपर रख देंगे। हाँ, उतरेंगे। हाँ 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 हाँ, कसा बेटा इधर पीछे बंदर के दिखाओ।
तो देखो बाबा चला रहे हैं, बस 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 जाके दौड़ करके एकदम ऐसे न करो, जहाँ चुपते बनाओ, जहाँ आगे बढ़े यो किया तो समझ गया साइड को निशाना लग रहा है। हाँ दो चार हाथ हम चला दे भैया, इतना बड़ा काम है जब मैं बता रहा हूँ, मैं शर्त लगा रहा हूँ कि इतने में जो युक्तियेंगे एक ड्रम कच्चा का शरबत आपका दान हो गया, आपका हो केवल ये इससे मेहनत। और जहाँ कहो बात हम शंकराचार्य आगे कह दे, पत्थर के हनुमान कागज के हनुमान ये कौन है श्रीमान, रोटी भी पानी भी मंदिर के ऊपर सबके दाग दिया गया है सामान, मेरे देखा आवाज बस हम लोग थोड़ा हटेंगे और अभी रोटी पानी जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे ना लग। चले क्या नाम है तुम्हारा? पारस तिवारी। पारस आदर्श तिवारी। आदर्श तिवारी आपसे नाम है, पुण्य का काम करोगे जीवन में, संघर्षमय जीवन होगा, असली जीवन जियोगे। जो संघर्ष नहीं जीवन में करता है, केवल बाप दादों के धन पर आश्रित रहता है, उसकी कोई जिंदगी जिंदगी नहीं है। ठीक, इसे मनई गांव क्या हो? अच्छा महंगू के पड़वा के, ये भी छोटा गाँव है बड़ा गाँव है? छोटा गाँव है। बस हो गया, बहुत बहुत भैया धन्यवाद, बहुत बड़ा। देखिए सब बेचारे देख रहे हैं, हैं इस समय पियेंगे एक ड्रम शक्कर की, शक्कर का शरबत आपका दान हो गया। अगर हमारी बातों का कोई शंकराचार्य भी खंडित कर दें, 1,00,000 रुपया हम देंगे कोई भी हो, केवल आपने इतनी मेहनत किया, ये डायरेक्ट हनुमान जी पानी पियेंगे अभी। आइए हो गया हो गया, धन्यवाद। आइए हम लोग थोड़ा दूर हटेंगे ना, तब ये सब आएंगे उतर के। हाँ भैया आओ जल्दी आओ, देर मत करो, पानी पियो आके। ये कोई समाधि बनी है क्या? ये मोरंग है। अच्छा अच्छा, तो ये गांव की ओर से है तो इनका, ये देखो देखो हम लोगों ने पानी, हम और पीछे आओ, जितने दूर हम लोग रहेंगे। गाड़ी हमारी आपके कहाँ है? वहाँ पे है। उधर चलो और दूर चले आओ। देखिए हम लोग दूर हट गए, सब बेचारे पानी पीने लगे। बड़ा कर लो करो बनाओ, थोड़ा सा रोक करके। वही हमने देखा यार, यहाँ विरान जगह में सब देखो पानी के लिए जा रहे हैं भगवान, इसीलिए सब खा नहीं रहे हैं। अब पानी पियेंगे, वहां रोटी भी मिल गया, संजो की बात है। यहाँ पर भगदा रख दिया जाए। देखो जिसका मंदिर है, कौन लोग हैं? मिश्रा है। उनका मोबाइल नंबर हमको मिल जाएगा किसी तरह से, तो हम मोबाइल से बात करते हैं उनसे, किसी तरह पता लगाइएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा। थोड़ा बस एक मिनट बेटा, इससे ये समझो, ये इससे बड़ी कोई कथा नहीं है, ये सब ठीक हो अभी, इससे बड़ी कोई। देखो अब मुखिया आया इसका, ये देखो मुखिया आया, ये देखो बैठेगा, देखो पियेंगे सब। बाप रे बाप, इनको प्यासे को इनको पानी पिलाना। अरे हम तो अब कोशिश करेंगे, यहाँ हम वो देखे शरबत लेके आएंगे। अच्छा ये सुबह या शाम को ही मिलेंगे ना यहाँ पर? हाँ मतलब कभी कभी आते हैं, हर दम नहीं रहते, कभी कभी आते हैं, मतलब ज्यादा दूर नहीं आते, मतलब जैसे। अच्छा एक काम करेंगे बेटा, तुम्हारा हम नंबर ले लेंगे, समझ गए? नंबर है मोबाइल तुम्हारा, मतलब तो हम ले देंगे, हमको मोबाइल से बताना कि बाबा जी बंदा राज यहाँ है, हम तुरंत, हमारे पास तरह तरह की गाड़ी है, बैटरी की गाड़ी है, लेबर है, उसका कहेंगे बेटा जल्दी चलो और आएंगे, आ करके यहाँ पर वो करेंगे। और जो मिश्रा जी हैं उनसे मैं भी कहूंगा, भैया मैं भी मिश्रा बोल रहा हूँ और दुनिया में नाम है इस समय, तो एक अगर हम टंकी ला के यहाँ रख दें तो कैसा रहेगा? और किसी आदमी को हम पैसा दे देंगे कि भैया आपको हम 5 रुपए देंगे, आप जाके हाउडी इंडिया, यही इंडिया मार्केट चला के भर दो, गर्मी भर इतना कर दो,
तो हम उनका नंबर तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। हाँ, और ये गुरु मिल जाएगा। आप भी जाके नंबर, आप अपना नंबर हमको बोल दीजिए बेटा, आपका नंबर क्या है? अभी इनके मामा के पास है, चलो घर पे मिल जाएगा गुरुजी। अच्छा अच्छा, हम जानकारी करते रहेंगे, आपको बता देंगे। हाँ ठीक, हमको बताइए कि देखिए बिना प्रयास के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है। आपने देखा बिल्कुल शाम के 7 बज चुके हैं, काफी रोटी वहाँ डाला जा चुका है। ये भयंकर चारों सब से गांव देहात, यहाँ बिल्कुल एकदम जंगल ऐसा है, कहीं कहीं गांव है। गाड़ी आपकी वहाँ खड़ी है? हाँ, चलिए। नहीं नहीं, वहीं चलेंगे। तो ये पूरी बाग ही मिश्रा जी का है? हाँ है, पंडित ही लोगों का है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। उनका नंबर किसी तरह से आप जाके बता दीजिएगा कि बाबा जी ने आपका नंबर मांगा है, वाइफ है यहाँ पर, तो हम गुरुजी चलो हो जाएगा, बिने के द्वारा हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ गुरुजी ठीक, बिने का उनका व्यवहार ज्यादा अच्छा। अच्छा हाँ, अरे तो बिने को आप फोन कर लेना। हाँ हाँ हाँ, काम हो जाएगा। अरे बल्कि बिने ही कहेंगे भैया, एक तो हम टंकी रखवावा चाहिए थे। हाँ गुरुजी, बस एक टंकी रखवा दें और कोई का 5 रुपया रोज क्या दिए, बेने का हम एडवांस में दे देवे, 5 रुपया रोज लिए और एक बार पैसा भर दिए 4-6 बाल्टी पानी बस। इतना बड़ा पुण्य का काम होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बड़े बड़े संकट आदमी के कट जाते हैं, इसलिए देखिए कहाँ गांव देहात दूर दूर में घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम निकल जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो। यहाँ तो उजाला है खुले में, अंदर अंधेरा ऐसा है। मैं बाड़ी को विराम देता हूँ, जैसे ही जंगल में रहते हैं सब काले वाले बंदर, शहर से काफी दूर आ गए हैं सब। अच्छा आप इधर से चलेंगे, इधर से? इधर से चलेंगे गुरुजी। अच्छा इधर से? इधर से रास्ता सही नहीं। सही नहीं, अच्छा ठीक। एक मिनट, जय श्री राम। आप भी आ जाइए, आप लोग इंटरनेट देखते होंगे ना? जी सर, देखते हैं ना, तो आप अपना नाम बता दीजिए, आप भी आ जाएंगे। अंजनी कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, तो सब मिश्रे मिश्रा बताओ, मिश्रा हम, मिश्रा आप, जिसके यहीं आए हैं मिश्रा वो, और विनय से हम आगे बात करेंगे। हाँ। कि भैया उनको समझाओ कि पाप ना करें भाई, उनको उनका क्या नुकसान करेगा यहाँ भाई? एक हम सीमेंट की वो रख दें, टंकी जल्दी नहीं कोई गायब करेगा। हाँ गुरु जी, है ना। हाँ ठीक है, जय श्री राम काज। देखिए साहब, जितने लोग हमसे जुड़े लोग हैं, जो लोग हेल्प करते हैं, वो देखिए रायबली से, यहाँ से रायबली कितना होगा? 12 किलोमीटर होगा गुरुजी। कुल 12 किलोमीटर? पक्का? पक्का। अरे भैया तो पूछ लेना, 12 किलोमीटर है सिविल लाइन यहाँ। अच्छा सिविल लाइन, चलो ठीक है, वो कोई बात नहीं। अच्छा 12 किलोमीटर, अब तो रोड बन ही गया है। हाँ रोड अब अच्छा हो गया। हाँ तो हम आए दिन आते रहेंगे, इनको हम शरबत पिलाएंगे जल्द ही आके। केवल हम संपर्क, हमको कोई बतावे कि महाराज यहाँ बंदर हैं, आप लड़कों को भेज के बता दीजिएगा कि महाराज यहाँ बंदर हैं, तो हम उसी समय सामान लेंगे, यहीं शरबत घोरेंगे, इनको शरबत पिलाएंगे। ठीक ठीक, सामान देने वालों की कमी नहीं है, नहीं खिलाने की बात है, बस करने वाला कोई नहीं। ठीक है गुरुजी।